हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंस्टाग्राम को डार्क मोड में कैसे यूज करते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही आसान है दोस्तों। बिना एप्लीकेशन के इंस्टाग्राम को डार्क मोड में यूज कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, जिसके मदद से आप इंस्टाग्राम को डार्क मोड में यूज कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों मैं बता दूँ कि इंस्टाग्राम को डार्क मोड में यूज करने से बहुत ही आपको फायदा मिलेगा दोस्तों, जैसा कि आपको मैं आपको बताऊंगा। तो आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन से इंस्टाग्राम को ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे तो देखेंगे कि इस तरीके से ओपन होगा, जैसे कि बाय डिफॉल्ट दोस्तों इंस्टाग्राम जो दिया रहता है थीम वो वाइट दिया रहता है, जिसमें दोस्तों आपको बैटरी बहुत ही ज़्यादा दोस्तों लॉस होती है दोस्तों, जिसके वजह से आपकी आँख पर बहुत दोस्तों ये लाइट पड़ता है और आँखों में दोस्तों जैसे आप चैट करते हैं या इंस्टाग्राम ज़्यादा देर तक यूज करते हैं दोस्तों, तो आपको आँखों में दर्द होता है और दोस्तों आँखों में ये लाइट बहुत ही चुभती है, जिसके वजह से दोस्तों आँखों में ज़्यादा रोशनी पड़ती है तो आपकी आँख दर्द करने लगता है और आँख लाल भी हो जाती है दोस्तों। तो इसको डार्क मोड में यूज करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने दोस्तों प्रोफाइल के यहाँ पर जो सो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका प्रोफाइल होगा, यहाँ पर कॉर्नर में यहाँ पर आपको क्लिक करना है। प्रोफाइल के फोटो पर क्लिक करते ही दोस्तों एक विंडो ओपन होगा, जिसमें आपका पूरा प्रोफाइल आपका ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं दोस्तों। तो इसके वजह से दोस्तों ऐसा ओपन होगा। जैसे दोस्तों आपको डार्क मोड में यूज करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको यहां पर थ्री डॉट पे जो दिखाई दे रहा है थ्री लाइन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक विंडो ओपन होगा, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन इसमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। सेटिंग अचीव दोस्तों इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा हाइलाइट्स में। तो आपको क्या करना है कि सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो एक फिर से पॉपअप शो होगा, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। जैसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर थीम का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है इस थीम वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं बाय डिफॉल्ट वाइट शो हो रहा है दोस्तों, ठीक है, लाइट में ये आपको शो हो रहा है। तो आपको क्या करना है इसे डार्क मोड में यूज करने के लिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो तीन ऑप्शन दे रखा है, पहला है लाइट, डार्क, सिस्टम डिफॉल्ट। तो दोस्तों देखिए सिस्टम डिफॉल्ट भी करेंगे तो आपको वाइट में ही शो होगा और दोस्तों लाइट में भी शो करेंगे तो ये वाइट में ऐसा ही शो होगा आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। तो आपको क्या करना है डार्क मोड में यूज करने के लिए, आपको जो है आपको तीसरा वाला ऑप्शन ही या सेकेंड वाला ऑप्शन आपको चूज करना है, जैसे यह डार्क थीम है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं, कैसे अप्लाई करना है। इस पर आपको सेकेंड पे क्लिक करके और दोस्तों आपको यहाँ से बैक चले जाना है, यहाँ से आपको बैक जाना है। जैसे आप यहाँ से बैक जाते हैं, फिर से बैक जाते हैं तो देखेंगे कि आपका जो प्रोफाइल है वो पूरी तरीके से डार्क मोड में ये दोस्तों इनेबल हो गई है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में दोस्तों इंस्टाग्राम को डार्क मोड में यूज़ कर सकते हैं और आप अपनी बैटरी को भी बचा सकते हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, जिस तरीके से आप इंस्टाग्राम को डार्क मोड में यूज करके अपनी बैटरी को भी और आप अपने सेफ्टी को भी कर सकते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से आपकी आँखों में दोस्तों जलन भी नहीं होगी, दर्द भी नहीं होगा और दोस्तों आपकी आँखों से कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। इस तरीके से आप इंस्टाग्राम को डार्क मोड में यूज कर सकते हैं। ये ट्रिक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।